यहाँ पे आ चुके हैं विदेशी कैडेट्स। ये हेलो गाइस, चूल्हे में बन रही है आगे मन माल से बतिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो व्लॉग। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। अभी मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है तो मैं सोचा हूँ कि मैं यहाँ पे बिजी रहता हूँ तो अपना यही शेड्यूल दिखाऊँ कि मैं किस चीज़ में बिजी रहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एकेडमी की तरफ और अपने RW के लिए एक पर्सनल स्टूडियो बनाना है, क्योंकि अभी सारा सामान ऐसे ही ऑफिस में और सारे जगह बिथरा पड़ा रहता है। अलग से रूम चाहिए स्टूडियो टाइप, जहाँ पे सारा कुछ रहे, वहीं पे एडिटिंग का सामान रहे, वहीं पे सारा कुछ रहे, तो उसको बनाना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। हम यहाँ से निकल रहे हैं जहाँ से रेसलरों की एंट्री होती है और ये आज बैरिकेड्स लग चुके हैं क्योंकि आज शाम को है फाइट अपने RW में। आज है मंगलवार तो रोप ढीली कर दी गई है बिकॉज पोल पे प्रेशर नहीं आए। और ये पूरा देख सकते हैं आप बैरिकेड लग गया है। रोहन और सुशील को बुला लिया है ताकि ये हेलो गाइस चुप, बिल्कुल चुप। और ये जो है प्रोटीन खाते रहो, सब खा डाला इन्होंने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जिसके लिए ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वो है रूम। तो ये है जिम का एंट्री गेट, यहाँ से जिम के लिए अंदर जाते हैं और साइड में है ये रूम। तो इस रूम को हमें बनाना है स्टूडियो। तो ये रूम है कुछ ऐसा, कितना गंदा पड़ा हुआ है ऐसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिस्टम रखेंगे अपना और बाकी वॉल है तो यहाँ पे भी कुछ कारीगरी करेंगे। ए आ जाओ। ओके सर। यो जी सर, बताए कहाँ काम करना है। चुप, बिल्कुल चुप। तो हमने वॉल में लगाने के लिए ये मंगाए हैं, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। दो हमने चिपका के देखे थे, मैंने पहले दो ही मंगाए थे, उसके बाद मेरे को क्वालिटी देखनी थी कि कैसा है, तो चिपका के देखा तो अच्छा है। इसके बाद मैंने 20 और मंगा लिए। ये खिड़की खोल दो। तो 400 था इसका प्राइस एंड देन एक सस्ता था 200 रुपये का, तो इसको मंगाया। तो इस दोनों में सिर्फ आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये प्योर वाइट लग रहा है और ये लग रहा है हल्का सा येलो येलो टाइप, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों ही अच्छे तरीके से चिपके हुए हैं। तो मैंने 200 वाला ज़्यादा प्रेफर किया बिकॉज ज़्यादा पैसे लग रहे थे इसमें, 400 का एक था तो मैंने 200 वाला मंगाया। तो ये 20 पीस है, 20 पीस में ये आधा ये वॉल कवर हो जाएगी। तो अभी हम ये लाइनअप इसका डिस्टर्ब है तो एक लगाएंगे, एक लगाने के बाद फिर नीचे वाला कवर करेंगे, फिर ऊपर वाला करेंगे। तो इसको कवर कर देते हैं, इसके नीचे कुछ ऐसा निकलता है, यहाँ से देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा है और ये देखिए ग्लू लगा हुआ है तो ये चिपक रहा है। चलो उसको उधेड़ते हैं और फिर लगाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। चुप, बिल्कुल चुप। उसके बगल से चिपकाओ, इधर का एडजस्ट कर देंगे ना, उधर का एडजस्ट कर देंगे तो नीचे का भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। नहीं तो हम ऐसे ऐसे ले आएंगे, उस तक जितना कटिंग लगेगी लगाते चले जाएंगे। ठीक है, यही बात सही है, मतलब वो लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मैं सही हूं, मैं सही नहीं, मतलब ये है ना कि कटिंग तो लगानी पड़ेगी ना किनारे। हाँ ये भी, यहाँ का लगाऊंगा तो यहाँ की छूट जाएगी, तो इस तरह कोने में कटिंग लगाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहा भाई। हाँ ठीक है, जब मैं कैसे बोलूँ, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, मैं अकेला गया। ठीक है, ए चाकू ला यार, मर मार से दिया है। आवाज तो रिकॉर्ड हो रही होगी सब ना, दिल भाई। हां उसने लगा सब तो रिकॉर्ड हो रही होगी, तो उसको तो म्यूट कर दिया। म्यूट ना कर दूं, सब डाल दूंगा जो हग होगी। त्यागी मर भाई, सुशील भाई त्यागी मर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो हमें कैंची से कट करना है इसको, कट करने के बाद क्योंकि इसको अगर निकाल देंगे फिर कट करेंगे तो साइड वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। कैंची, अरे त्यागी मर मार से बतिया। ओ मागो टुरुला, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, बंद करते हैं, मिलते हैं यहाँ से। लाइट आ रही, इतना देख कितना गोरा हो गया, देख अबे कितना गोरा हो गया, देख देख। ओ भाई सही तो अभी कटिंग करते हैं, कैंची से कट करते हैं इसको, फिर उसके बाद फिर इसको चिपकाते हैं। ए कैंची लाओ।
घंटे लगे हैं हमें इसे लगाने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अभी लगा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना ही खतरनाक लग रहा है, और लाइट नहीं है इसमें तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। किसी का फ़ोन आ गया, इतना लगा है, इतना बच गया, तो इसको अभी कवर करेंगे। अभी एक बचा है, पापा का फ़ोन आ गया इसके। हाँ हाँ आया आया, दो मिनट। तो आप जानते हैं हम लोगों ने पूरी मेहनत करके लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा होगा, मेहनत किया भाई तुम लोग। बस सब्सक्राइब करो अपने भाई को। चुप, बिल्कुल चुप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो प्रॉपर हो गया है, सिर्फ इतना ही जगह बची है ये। तो अब इसको एक बचा है, एक ये बचा है, तो इतना जो छूटा है इसको हम करेंगे कल, बिकॉज तक का टाइम हो गया है, तो वहाँ पे जाके अभी काम और देखना है। 5:22 हो गया है अभी, तो उसे भी जल्दी से चल के देखने ही है, बिकॉज ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। और ये देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, बेहतरीन। टाइम नहीं बचा है और ये सामान फैला हुआ है और इतना सारा कुछ निकला है, तो इसको पूरा क्लीन करके और फिर हम अपडेट देते रहेंगे डे बाय डे कि क्या क्या चेंज करके और कितना टाइम लगा और कैसे बनाया है। तो चलिए मिलते हैं अभी बाहर, कि बाहर है कुछ ऐसा माहौल, ये कार खड़ी है एंड ये कुछ जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बंदे आ गए हैं। और मैं बताऊँ जो आपको, मतलब अभी मैंने वीडियो नहीं डाली, आज एडिट कर रहा था एक्चुअली। आज मैंने 2 दिन के अंदर मैंने 8 वीडियो एडिट की है, तो मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब माइंड मेरा ऐसे ख़राब सा हो गया, बिकॉज काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है एडिट करने में। और जो मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं की उसकी एडिटिंग हो रही है अभी, कल तक या फिर आज शाम के अपलोड कर दूंगा। तो जो आप देखेंगे उस वीडियो में, तो इसकी मतलब इसमें कैसे हम लोग सफाई कर रहे थे उसकी सफाई दिखेगी। और ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कैसा, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन लग गया है, नेट लग गया पूरा। तो ये जो मैदान कितना गंदा सा लग रहा था, आज कितना क्लियर हो गया। यहाँ पे खड़ी है कार और वहाँ हो गया है, और मैं जा रहा हूँ अभी पीछे, बिकॉज मुझे लग रही है ठंड। मेरी जो जॉकेट है वो वहीं पर रखी हुई है, और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं रेसलर। और आंखों के नीचे हो गया है डार्क सर्कल, बिकॉज मैं 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहा हूँ फ़ोन पे एंड लैपटॉप पे, बिकॉज डाटा ट्रांसफ़र करो फिर वहाँ से निकाल के यहाँ करो, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते की वीडियोस मैंने मतलब अपलोड नहीं की थी। 2 हफ्ते में मेरे पास 8 से 10 वीडियो इकट्ठा हो गई थी, जिनको मतलब 10-10, 20-20 मिनट की, तो उनको एडिट करना था। तो मेरे पास 6-7 वीडियो एडिट कर दी हैं, अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा डाटा बचा है, कम से कम 15 से 16 GB का डाटा बचा है, तो उसको भी एडिट करना है। और आज फाइट हो रही है, तो आज फाइट में 4 फाइट होनी है, तो उसका भी डाटा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको भी एडिट करना पड़ेगा। तो आंखों के नीचे हो चुका है काला काला, और इतना सारा काम आ रहा है और कोई एडिट कर नहीं पाता है, तो क्या ही कर सकते हैं। आंखें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो स्टूडियो बना रहा हूँ, उसका अपडेट मैं देता ही रहूँगा डे बाई डे कि कैसा हो गया है। ये वीडियो देखिएगा कि वॉल पर हम लोगों ने कैसे लगाया है। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और आज मैं लेके आया था पल्सर, ये खड़ी है अपनी पल्सर, जो कि मेरी फर्स्ट बाइक है, सबसे पहली RWE WWE का लोगो। और यहाँ पे बन चुकी है चाय, जो कि मम्मी ने बनाई है, तो अपन जॉकेट भी पहनेंगे एंड चाय भी पियेंगे, जो कि चूल्हे में बन रही है, इतनी सी बची है। और पापा यहाँ पे कर रहे हैं भैंसियों की दोहनी, दूध निकाल रहे हैं। और यहाँ पे अंधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा, ये पहनता हूँ जॉकेट, बिकॉज मुझे लग रही है ठंड, तो ये रखिए, तो पहन के और चाय पी के फिर मिलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ये समीर बाबू, ये हमारे समीर द बीस्ट फ्रॉम महोबा, कितना ही ज़्यादा मस्त, खतरनाक लग रहा है, खतरनाक। अभी सिर्फ यही लाइट जल रही है, अभी प्रॉपर तो जलना है बाकी है, उसके बाद तो यहाँ तो एकदम बिल्कुल एकदम जैसे वो डीजे हो जाता है बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फ्रेम में आ गया है, एक ही फ्रेम पे पूरा आ गया है, क्योंकि सुपर वाइड पे शूट हो रहा है इसलिए ना, एक ही फ्रेम पे ऐसा लगता है कुछ। अपना एरिना और बांदा के जितने भी लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ज़रा सा इंटरेस्ट ना भी हो तब भी आके देखें, क्योंकि जो चीज़ हम लोग टीवी में देखते हैं अगर वो लाइव देखने को मिले तो कितना ही अच्छा होता है। तो टीवी में देखने से अच्छा है कि हम उसे लाइव देखें ही है। और यहाँ पे आ चुके हैं बजरंग कॉलेज के NCC कैडेट्स,
तो आज कुछ स्पेशल है, इसलिए है कि कैमरा मैन हमारे रेडी हैं DSLR के साथ, जो कि हार्ड कैम फिट होगा वहाँ पे, और मैं राउंड करके पूरी वीडियो बनाता हूँ, और एक हार्ड कैम होता है जो फिट होता है यहाँ पे इसके ऊपर, तो एक हार्ड कैम फिक्स रहता है और मैं चारों तरफ से बनाता हूँ इस पर वीडियो। बात करूँ मैं बाहर की, तो बाहर गेट के बाहर आप लोग देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पे 300 से 400 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब हमें सिक्योरिटी के लिए 3 लोग खड़े करने पड़ते हैं ताकि लोग गेट खोल के अंदर नहीं आ पाएं। और जो अभी मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो कल डालूँगा, तो आप लोग देखिएगा ये वाला ग्राउंड कितना ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, लग गया ये नेट लग गया है, ये पूरा मैदान है। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हो या फिर कोई भी हो, अगर वो आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है, रेसलिंग देखना चाहता है या फिर खेलना चाहता है तो आ सकता है, किसी को भी कोई मना नहीं है, कोई भी आ सकता है, जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है वो आ ही सकता है।